बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रशंसक अलग अलग तरीकों से उनके लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं। मुंबई के एक मॉडल मेघना पटेल ने भी एक नायाब तरीका खोज निकाला है, उनसे बात करते हैं। मेघना, आखिरकार क्या तरीका है वो मोदी के लिए वोट मांगने का? पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, आपने कहा एक नायाब तरीका, तो अच्छी बात है आप इसको नायाब समझते हैं। और ये तरीका देखिए, सब नेता अपनी तरीके से अपना अपना ओपिनियन रखते हैं और सब अलग अलग तरीके से, हर प्रशंसक अपना अपने तरीके से अपनी बात रख रहा है। तो मेरा ये तरीका था और ये सबसे प्यारा तरीका है जो अपनी भावनाएं व्यक्त करने का, वो मेरे हिसाब से है। जैसे कि आप जानते हैं बीजेपी का सिंबल लोटस है, कमल उनका सिंबल है और पीएम की उम्मीदवारी के लिए नरेंद्र मोदी जी है। और मैंने मेरे फ़ोटोशूट में कमल और उनकी पोस्टर यूज़ की है। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि सबकी तरह मैं भी कुछ ना कुछ करूँ और ये मेरा वे है नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इस तस्वीर को देखकर तो बीजेपी वाले आपत्ति जता सकते हैं कि हाफ न्यूड तस्वीरें मानी जाएंगी इसको, कि आप अश्लीलता फैला रही हैं और फिर प्रचार कर रही हैं। देखिए, मैंने कोई अश्लीलता नहीं फैलाई है, ये मेरा प्यार है बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए और अपने देश के लिए। मैंने उसमें पूरे कपड़े पहने हुए हैं और उसको आप न्यूड नहीं कह सकते। अगर आप न्यूड कहेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि ये अश्लील पिक्चर नहीं है, ये मेरी भावनाएं हैं अपने देश के लिए। और मेरे फ़ोटोशूट में कमल और उनकी पोस्टर यूज़ की है। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि सबकी तरह मैं भी कुछ ना कुछ करूँ और ये मेरा वे है नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इस तस्वीर को देखकर तो बीजेपी वाले आपत्ति जता सकते हैं कि हाफ न्यूड तस्वीरें मानी जाएंगी इसको, कि आप अश्लीलता फैला रही हैं और फिर प्रचार कर रही हैं। देखिए, मैंने कोई अश्लीलता नहीं फैलाई है, ये मेरा प्यार है बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए और अपने देश के लिए। मैंने उसमें पूरे कपड़े पहने हुए हैं और उसको आप न्यूड नहीं कह सकते। अगर आप न्यूड कहेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि ये अश्लील पिक्चर नहीं है, ये मेरी भावनाएं हैं अपने देश के लिए और अपने देश के बेटरमेंट के लिए। ये आखिरकार नरेंद्र मोदी ही क्यों? रेस में राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, कई ऐसे नेता हैं, आखिरकार नरेंद्र मोदी को ही आपने उनका प्रचार करने का क्यों चुना? देखिए, मैं बोलती हूँ काम बोलता है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आप कुछ भी हो अच्छी बात नहीं है। सबको अपना अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। मोदी जी ने, आपने देखा होगा, 10 साल से गुजरात में वो CM है। गुजरात, मैं भी गुजरात की हूँ तो मैंने गुजरात को बदलते हुए देखा है, गुजरात में डेवलपमेंट देखा है, गुजरात की तरक्की देखी है। तो वो सब चीज़ें हम देश के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर मोदी जी PM बनते हैं तो उनको काफ़ी पावर होगा उनके पास, और वो हमारे लिए अच्छा अच्छा चीज़ें कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं और हमारे बेटरमेंट के लिए काफ़ी वो हेल्प करेगी चीज़। तो नरेंद्र मोदी का जो समर्थक है, इसका दायरा आप कहाँ तक रखेंगे? सिर्फ इस पोस्टर पे जो आपने मोदी के फ़ोटो के साथ में तस्वीरें खिंचाई हैं, यहीं तक सीमित रहेगा या प्रचार और भी आगे बढ़ेगा? नहीं, मैं जब तक, मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ, जब तक मेरी सांस है तब तक मैं मोदी जी को सपोर्ट करूँगी और जब तक वो PM नहीं बनते हैं मैं उनको सपोर्ट करती रहूँगी। अगर बीजेपी वालों ने आपकी तस्वीरों पर आपत्ति जताई कि ये तरीका नहीं है प्रचार करने का या नरेंद्र मोदी को समर्थन देने का, तो आप क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो आपत्ति जताएंगे, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी गैरकानूनी काम नहीं किया है या कुछ भी गलत काम नहीं किया है, है ना। तो अगर वो उठाते हैं तो फिर उस पर मैं बात करूँगी। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ करेंगे।